हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं नया चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, एंड दैट इज़ योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, द मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। ये चैप्टर कहीं पीछा नहीं छोड़ेगा, सीए बनने तक, सीए बनने के बाद तक हमेशा आपके साथ रहेगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, हिंदी में कहा जाए तो पूंजी की लागत। कॉस्ट ऑफ कैपिटल है क्या और पढ़ते क्यों हैं? हम लोगों ने दो चीज़ें अब तक देखी। पहला, ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस देख लिया ना। यहाँ पर कंपनी उस ऑप्शन को अप्रोच करती थी जहाँ पर कंपनी का मैक्सिमम अर्निंग पर शेयर होता था या मैक्सिमम मार्केट प्राइस ऑफ शेयर होती थी। कैपिटल स्ट्रक्चर मिक्स हमको बताता था कि कौन सा ऑप्शन बेटर है, मींस हमारे पास ढेर सारे ऑप्शन है फंड को रेज करने के, यही देखा था। थर्ड ऑप्शन रिस्क को लेकर के था कि कहाँ कम रिस्क होता है और कहाँ ज़्यादा रिस्क होता है, किस कैपिटल स्ट्रक्चर के किस ऑप्शन में हमें ज़्यादा रिस्क बियर करना पड़ता है और किस में कम। और आज जो देखेंगे दैट इज योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हमने पैसा लिया इक्विटी शेयर होल्डर से, हमने पैसा लिया प्रेफरेंस शेयर होल्डर से, और हमने पैसा लिया डिबेंचर होल्डर से। बोलो, हमने ये फंड रेज किए, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से फंड रेज किए। इक्विटी शेयर होल्डर ने हमको 100 रुपए दिए, कितने दिए? प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने भी हमको 100 रुपए दिए, एंड इन द सेम वे डिबेंचर होल्डर ने भी हमको 100 रुपए दिए। टोटल हमने कितना फंड कलेक्ट किया? 300 रुपए। हम केवल ये बताना चाह रहे हैं व्हाट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। 300 रुपए हमको मिले इन टोटालिटी। डिबेंचर होल्डर्स ने उम्मीद लगा रखी थी एटलीस्ट 10%, तो इनका कितना होगा? मोर देन 10%। इनका अभी नहीं मालूम, दो मिनट के लिए कुछ ऐसे ही लिखते हैं हम लोग। टोटल कैपिटल आ गई 300 की। बता सकते हो इस 100 रुपए पर इस डिबेंचर होल्डर ने कितनी आस लगा करके बैठा है रिटर्न की? रिटर्न की कितनी एक्सपेक्टेशन लेकर बैठा है डिबेंचर होल्डर वाला? जिसने हमको 100 रुपए दिया है, ही इज इंटरेस्टेड और ही इज कंसर्न ओनली द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ₹10। He has no any concern with the amount of profit or loss of the business of the person, whether his business is in a profit mode or in a loss mode. उसका profit में चल रहा है business या loss में चल रहा है, किनारे रहो। हमें तो हमारा क्या चाहिए? Interest का portion चाहिए। तुम्हारे business में profit हो या loss, उससे हमको कोई लेना देना नहीं। Preference shareholder ने क्या उम्मीद लगा कर रखी है? 12 rupees, हाँ या ना? लेकिन इनको ये 12 रुपए तब मिलेंगे जब हम डिबेंचर होल्डर्स को फाइनली इंटरेस्ट का पेमेंट कर देंगे, और उसके बाद टैक्स के बाद अगर प्रॉफिट बचता है तो। क्लियर? इनको मैंने 10 दे दिया, इनको 12 दिया। अल्टीमेट रिस्क बियरर कौन होते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर, और उनकी एक्सपेक्टेशन तो इन लोगों से अधिक ही होगी। दो मिनट के लिए सपोज करते हैं 15, ठीक। अगर अब कंपनी 300 रुपए है कंपनी के पास, देन द कंपनी विल ट्राई टू इन्वेस्ट दिस 300 रुपीज इन सच अ वे सो दैट कंपनी कैन अर्न एट लीस्ट ₹10 ऑन ₹100, सो दैट इट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस्ट द डिवेंचर होल्डर। नाउ ऑन द अदर साइड द कंपनी
विल टेक इंटरेस्ट टू अर्न ₹12 फ्रॉम द फंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर सो दैट दे कैन द कंपनी कैन डिस्ट्रीब्यूट द अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर सो दैट दे कैन बी सेटिस्फाइड. हाँ या ना. अच्छा, इसके बाद कंपनी जानती है कि इक्विटी शेयर होल्डर इससे ज़्यादा की उम्मीद करते हैं, तो हमको जो भी इनको रिटर्न देना है दैट विल बी हायर और मोर देन द डिविडेंड अमाउंट ऑफ और डिविडेंड रेट ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर. जितना इनका डिविडेंड रेट रहेगा इससे ज़्यादा की उम्मीद ये लोग लगा करके बैठेंगे. अगर ये लोग 12 की उम्मीद करते हैं तो ये कम से कम कितने की उम्मीद करेंगे, 15 की उम्मीद करेंगे. पक्की बात है ना. चलो, कंपनी को कम से कम कितना कमाना पड़ेगा बता सकते हो? यानी कंपनी अगर ₹37 अर्न कर ले तो उसका टेंशन खत्म. बोलो, अगर कंपनी ₹37 अर्न कर ले तो उसका टेंशन खत्म. इसको 15 दे देगी, इसको 12 दे देगी, इसको 10 दे देगी, झंझट खत्म. सुनना इधर ढंग से. हाँ या ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है. पक्की बात. ऐसा तो कुछ नहीं था. कुछ चेंज करो हमारी बातों को. ₹100 के लिए कंपनी को कम से कम ₹10 कमाना पड़ेगा ताकि डिबेंचर होल्डर सेटिस्फाइड रहें. ₹100 पर कंपनी को कम से कम ₹12 अर्न करना पड़ेगा ताकि हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर सेटिस्फाइड रहे. ₹100 पर कंपनी को कम से कम ₹15 अर्न करना पड़ेगा ताकि हमारे इक्विटी शेयर होल्डर सेटिस्फाइड रहे. इन टोटालिटी कंपनी को ₹300 इन्वेस्ट करना है ताकि टोटालिटी में हमको ₹37 अर्न हो सके ताकि सारे लोग सेटिस्फाइड हो जाए. यही तो मतलब है. कंपनी आपसे कहती है कि हम पैसे को क्यों एक एक करके इन्वेस्ट करेंगे. हमको ये तरीका बताओ, हम ₹100 का नोट जो मेरे पास है जेब में निकाला और उस पर लिखा डिबेंचर होल्डर और उसको ऐसी जगह इन्वेस्ट किया जिससे केवल ₹10 आ सके. फिर दूसरा नोट निकाला, प्रेफरेंस का है, लिखो गांधी जी के ऊपर ₹12 और उसको इस तरह से इन्वेस्ट करो कि वहां से कितना आ पाए, ₹12. यही सिस्टम लगाते हो तुम लोग. हम लोग तो ₹300 जेब से निकालते हैं, सारे गांधी जी बराबर नजर आते हैं और उनको हम लोग इन्वेस्ट कर देते हैं और इस तरह से इन्वेस्ट करते हैं कि इन टोटालिटी इतना रुपया मिल जाए ताकि तीनों सेटिस्फाइड हो जाए. हम अलग 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 फंड को इन्वेस्ट नहीं कर सकते. अरे इंसान अगर ₹100 से ₹15 कमा सकते हो तो ₹100 से ₹10 क्यों कमा रहे हो? उसको भी ऐसी जगह इन्वेस्ट करो ना कि वहां से भी ₹15 है अगर तुम्हारे पास ऑप्शन है तो. इंडिविजुअली हम इस तरह से इन्वेस्ट नहीं कर सकते, पहली चीज. दूसरी चीज, इन तीनों के प्रॉफिट और एक्सपेक्टेशंस में डिफरेंसेस हैं. इन तीनों की जो एक्सपेक्टेशंस हैं, ध्यान से सुनना, वर्ड ढंग से सुनना, इन तीनों फंड प्रोवाइडर्स की या फाइनेंसर्स की जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो उनकी उम्मीदें हैं, उस उम्मीद पर कंपनी को खरा उतरना है. जो इन फाइनेंसर्स की एक्सपेक्टेशंस हैं वो एक्सपेक्टेशंस ये रिटर्न्स हैं और उनकी इन रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशंस हमारे लिए कॉस्ट का काम करेंगी. क्लियर हुआ? उनकी उम्मीद, मेरी लागत. उनकी उम्मीद और मेरी कॉस्ट. उनकी उम्मीद और मेरी कॉस्ट. क्लियर? उन्होंने उम्मीद की और हमको अब कमाना पड़ेगा. हमको कमाना पड़ेगा इस पर, तो मेरे लिए कॉस्ट है क्योंकि ये हमको पे करना है. और इसी कैपिटल की जो कॉस्ट हम पे करेंगे, ये सोचो अब हम जो कमा करके देंगे वही कहलाती है कॉस्ट ऑफ कैपिटल. यानी जो फाइनेंसर्स की एक्सपेक्टेशंस कंपनी के लिए, वही किसका काम करेगी, कॉस्ट का काम करेगी. क्लियर है? और उसी कॉस्ट को कैलकुलेट अप करना है बेटा कि ये कितना आएगा इन टोटालिटी. अब सर आपने तो सब बता दिया, 300 पे 37 तो 100 पे हो जाएगा 37 डिवाइडेड बाई 300 इंटू 100. देखो ना, तुम लोग कितने तेज हो, कितना जल्दी बता देते हो आंसर. और ये जवाब आपका
गलत है। कितने आराम से निकल गया सर, 300 पर 37 अर्न करने हैं तो 100 पर 12.33 आ तो गए, जो अब इसमें सोचना क्या था। अरे इस पर आपको टैक्स का बेनिफिट मिलता है, इस पर टैक्स का बेनिफिट मिलता है, इस पर कोई टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलता, इस पर भी कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता, इस पर हम ऑलरेडी एक बार डिस्कस कर चुके हैं, आज उसी को डिटेल में समझना है, ठीक है ना। जो दिख रहा है वो एक्चुअल में इतना है नहीं, इससे क्या होगा, कम होगा। जब हम ऊपर बोलते हैं तो तुम लोग कहते हो नीचे, अब हम बोल रहे थे नीचे तो तुम लोगों ने बोल दिया ज्यादा, कम होगा, क्या होगा देखते हैं कैसे। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मींस द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द फाइनेंसर्स, इट्स अ रेट एट विच ऑल द फंड प्रोवाइडर्स सेटिस्फैक्शन कैन बी मीट आउट इजिली। हाँ या ना, हम लोग सारे के सारे फाइनेंसर्स या फंड प्रोवाइडर्स के सेटिस्फैक्शन को पूरा कर सकते हैं, और कंपनी को कम से कम इतना तो कमाना ही पड़ेगा। अगर किसी ने सोचा कंपनी से 15% कमाने के लिए और कंपनी ने विश्वास मानो 15% ही कमाया, तो कंपनी के जो मार्केट प्राइस थी शेयर की 100 रुपए, वो 100 रुपए ही रहेगी। अगर सोचा था कंपनी से 15% कमाने के लिए और कंपनी ने कमा लिया 17%, तो अब मार्केट वैल्यू 100 रुपए से बढ़ जाएगी। हाँ या ना। और अगर कंपनी से सोचा था 15% अर्न करने के लिए, कंपनी ने दिखाया अपना जादू और कमाया 10%, बताओ मार्केट प्राइस कितनी होगी, प्लस 100 मतलब मोर देन 100 एंड माइनस 100 का मतलब लेस देन 100, क्लियर है। हटा सकते हैं इसको, माइनस 100 ना यूज कर लेना, हटाए। एक कैपिटल स्ट्रक्चर है, ऑप्शन ए ऑप्शन बी, इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपए वाले 1 लाख और यहां पर है 50,000, 10% डिवेंचर 50,000। सिंपल सा क्वेश्चन पिक करते, कितना आया टोटल, और दोनों कंपनियों की ईबीआईटी जो है वो है 20%, चलो बताओ ए कंपनी कितना कमाएगी और ये कंपनी कितना कमाएगी, क्लियर। माइनस इंटरेस्ट, पक्का, अर्निंग बिफोर टैक्स, तो टैक्स रेट 50% मान ले, टैक्स रेट मान लिया 50%, कितना बचा अर्निंग आफ्टर टैक्स, किसका ईपीएस अधिक आएगा, सोचना ही नहीं है। आया ना, पक्का ना, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है ना, देखो ईपीएस इसका अधिक आ गया, सोचना ही नहीं था, ये तो मालूम था, लेकिन हम लोग अब ये डिस्कस करने के लिए थोड़ी बैठे, ये तो हम लोग पढ़ चुके।
हम लोग को देखनी है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द डिबेंचर होल्डर, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द डिबेंचर होल्डर। जरा ढंग से देखना, पहले केस में क्या कोई डिबेंचर इंटरेस्ट था? इसके कारण 5,000 रुपए खर्चा बढ़ गया। किसके कारण? और इंटरेस्ट के ही कारण मेरा 2,500 रुपए बच गया टैक्स का। देखो सामने है, अगर इंटरेस्ट ना होता तो टैक्स 10,000 रुपए चला जाता। अगर इंटरेस्ट ना होता तो टैक्स कितना जाता? अब इंटरेस्ट है तो टैक्स कम हो गया। पक्की बात है, इंटरेस्ट है तो टैक्स कम चला गया, और ये इंटरेस्ट के ही कारण 2,500 रुपए मेरा बचा। नहीं बचा, इंटरेस्ट के कारण हमको टैक्स सेविंग हो गई। कितने परसेंट से? 50% से। जितना इंटरेस्ट जा रहा है उसका 50% वो बचा दे रहा है। अगर इंटरेस्ट 2 रुपए जाता तो मेरी टैक्स सेविंग 1 रुपए की होती, जितना टैक्स रेट है। सर अगर टैक्स रेट 40% होता तो क्या आपको 40% की सेविंग मिलती? ऐसे बोलोगे क्या? हाँ, अगर हमारा टैक्स रेट यहाँ पर 40% कर दिया जाए तो हमारी टैक्स सेविंग हो जाएगी। जरा ढंग से देखना, इधर देखो, कितने के टैक्स बच गए? 2,000। देखो ना कितना परसेंट टैक्स सेविंग हो गया, 40%। जितना टैक्स रेट है उतना टैक्स सेविंग हो जा रहा है। क्लियर है? हाँ या ना? क्योंकि टैक्स का खर्चा जा रहा है 5,000। अब टैक्स का 5,000 जा रहा है तो 5,000 की इनकम पर जो 40% टैक्स जा रहा था वो नहीं जाएगा। 5,000 की बाकी इनकम पर जो टैक्स जा रहा था 40%, अब वो नहीं जाएगा, वो बच जाएगा। इसी को हम कहते हैं टैक्स सेविंग, और टैक्स शील्ड ऑन इंटरेस्ट। ठीक है, तो टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पर हमारा क्या होता है? टैक्स सेविंग होती है। तो केवल ये कहना कि सर डिबेंचर होल्डर ने उम्मीद की थी 10%, मेरी कॉस्ट है 10%, कितना ही गलत जवाब है। सोचो इनके कारण मैंने कुछ बचा भी तो लिया। अरे जो सेविंग कर रहे हो उसको इसमें से हटाओ ना, इनकी कॉस्ट 10% नहीं है, 10% से कम है। इनकी कॉस्ट 10% नहीं है, 10% से कम है। देखा जाए कैसे? बताओ तुम लोग इंटरेस्ट की टोटल कॉस्ट कितनी है? यानी इंटरेस्ट होने से मेरा केवल 3,000 का नुकसान हुआ। देखो ना, देखो सामने है, ऐसे देख लो, दिख रहा है? यानी इंटरेस्ट के कारण मेरा 3,000 का लॉस गया है नेट। 3,000 का लॉस कितने रुपए के अमाउंट पर गया है? 50,000 पर अगर मैंने 3,000 रुपए इंटरेस्ट दिया है तो 100 पर कितना दिया है? सोचना बेकार है 6%। सर आप इतना घुमा फिरा कर बात कर रहे हो, सीधे बोल देते ना 10% रेट है, 40% ऑफ 10% हमारा टैक्स सेविंग है, तब भी तो आ जाता 6%। हाँ बात एक ही है, जैसे सोच लो, जितना इंटरेस्ट की कॉस्ट उसका 40% सेविंग, जितना इंटरेस्ट की कॉस्ट उसका 40% सेविंग। हाँ या ना? अच्छा अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, इंटरेस्ट को आई लिख दूं, माइनस 0.4 आई, पक्का ना? तो 0.4 को हम क्या लिख सकते हैं? टैक्स इनटू आई। हाँ, नहीं समझ में आई बात? नहीं आई ना? अच्छा आ रही थी। 10% है माइनस 40% ऑफ 10% सेविंग हो गई। 10% क्या है, ये क्या है, और इनटू आई। आई आई कॉमन नहीं ले सकते क्या? नहीं ले सकते ना, नहीं ले सकते ना, तो आई को कॉमन ले लो। अब हो जाएगा 1 माइनस। हाँ तो ये फॉर्मूला, अरे यही फॉर्मूला किताबों ने रटवाया हुआ है, क्यों रटेंगे हम, है कि नहीं? आई 1 माइनस टी, हटा दे, फिर से समझाएं इसको, हटाएं या नोट करोगे? अभी तुरंत नोट कर लें।
मैं इसी चीज को एक बार और समझाऊं नए एग्जाम्पल के साथ। कैपिटल स्ट्रक्चर है, दो ऑप्शंस हैं मेरे पास, या तो डिबेंचर का साथ ले लो या छोड़ दो, ऑप्शन वन एंड ऑप्शन टू। इक्विटी शेयर कैपिटल है मेरे पास 5 लाख की बात न करें, 1 लाख रुपए का मेरे पास इक्विटी शेयर कैपिटल सेकंड ऑप्शन में है, 12% डिबेंचर्स हैं 4 लाख के, हाँ या ना। टोटल आया मेरे पास कैपिटल स्ट्रक्चर 5 लाख। क्वेश्चन में कह रहा है कि सेल्स मेरी 10,000 यूनिट्स की हैं, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 10 रुपए की है, 100 रुपए की है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 40 रुपीज है, फिक्स्ड कॉस्ट 3 लाख। इनकम स्टेटमेंट आपको बनाना है एंड कॉस्ट ऑफ डिबेंचर निकालना है, दैट्स इट। सिंपल सा क्वेश्चन है, करे नहीं। इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं हम लोग, ऑप्शन वन एंड ऑप्शन टू। सेल कितना है, 10 लाख, बोलो ना, माइनस वेरिएबल कॉस्ट 4 लाख, पक्का 10,000 × 40 क्या आ गया मेरे पास, कॉन्ट्रीब्यूशन 6 लाख एंड 6 लाख, माइनस फिक्स्ड कॉस्ट 3 लाख है ना, तो क्या मिल गया हमको, EBIT 3 लाख। अच्छा, माइनस कर दें इसमें से क्या, पहले वाले केस में, दूसरे में 48,000, तो अर्निंग बिफोर 3 लाख एंड 2 लाख, टैक्स रेट मान लें 50%, 1,50,000, 1,26,000, दैट इज योर अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब हमें ये बताओ, यहां तक तो सारी कहानी क्या थी, सेम थी, जो चेंजेस आए हैं इंटरेस्ट के कारण आए हैं। अगर इस ऑप्शन में हम जाते हैं देन वी हैव टू पे द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, यानी हमको 48,000 का तो नुकसान हो ही रहा है, कैसे पता, जरा आप देख ले, टोटल माइनस 48 में आ गया कि नहीं आ गया, इंटरेस्ट के कारण। और ये कितने से फर्क में आया, 24,000 सेविंग हो रही है भाई, देखो ना, 1,50 जाना था, 1,26 गया, इंटरेस्ट के कारण मेरा बच गया, कितना बच गया, 24,000, यानी इंटरेस्ट के कारण मेरा नेट कितना गया, 24,000, इंटरेस्ट के कारण मेरा 24,000 गया, यानी 4 लाख पर 24,000 गया है, हाँ या ना। तो अगर हमसे कोई पूछे कॉस्ट ऑफ डेट, तो 24,000 डिवाइडेड बाय 4 लाख
into 100. The easiest way? बोलो, पक्का? कोई दिक्कत है इसमें? पक्का ना? ये इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज. हमें दिख रहा था 12 है, 12 नहीं है, ये कितना है? 6% है. ये 12 नहीं है, कितना है? 6. ये क्लियर है? इसमें कोई डाउट हो तो बोले. अच्छा सर, हमको फॉर्मूले में थोड़ा समझाइए ना. देखें ना, जितना इंटरेस्ट था उस इंटरेस्ट पर हमेशा सेविंग होती है. टैक्स सेविंग ऑफ व्हाट? कि ऑन इंटरेस्ट. ऑफ भी लिख लोगे, कोई गलत प्रीपोजिशन नहीं होगा. आई को हम ऐसे शो कर लें ना, शो कर लें आई माइनस जितना भी इंटरेस्ट है उसका 50%. अगर आई को ऐसे शो करते हैं, आई मतलब मम्मी नहीं, आई, ये क्या रेट है? टैक्स रेट. हाँ या ना? दोनों में से क्या कॉमन निकाल कर बाहर कर सकते हैं? पक्का सोच लो. 1 t. नहीं समझ में आई बात? इसको अब हम शो करेंगे कॉस्ट ऑफ डेट का मतलब KD. कॉस्ट ऑफ डेट का मतलब KD, कुछ ऐसे शो करेंगे. अब हम तुम लोग को फटाफट फटाफट क्वेश्चन देते हैं, तुम लोग हमें उसका फटाफट फटाफट गलत आंसर देना. नोट कर लें, कुछ नहीं बाबू, वो पूछ रहे थे. अब हम आपको क्वेश्चन देते हैं और आप इसका क्या देंगे? गलत जवाब देंगे. उम्मीद तो हम यही लगा कर बैठते हैं. मैंने तुम लोग को एक हिंट दिया, कि अगर कॉस्ट ऑफ डेट 10% है और टैक्स रेट अगर 40% है. आ गया I1 - T 6%. हाँ या ना? कुछ ऐसा ही था. किताबों ने भी यही किया हुआ है, मैं भी इसको गलत नहीं मानता, बिल्कुल सही है. ठीक, एक क्वेश्चन देते हैं. रफ वर्क है, आज तक क्लास वर्क किया होगा, होमवर्क किया होगा, आज रफ वर्क करो. देखो इधर देखो, 10% डिबेंचर हैं. पहला केस, एज एट द रेट ऑफ 100 और टैक्स रेट है 40%. बिल्कुल ना बोलो, जल्दबाजी में ना बोलो, अभी बिल्कुल ना बोलो. 12% डिबेंचर्स हैं, 10 rupees वाले, टैक्स रेट है 50%. KD बताओ. 15% डिबेंचर हैं, 40 rupees वाले, टैक्स रेट है 40%. KD बताओ. तीनों का आंसर मुझे 1 मिनट के अंदर चाहिए.
पहले का और हाँ पक्का ना पहले का आंसर है के डी इज इक्वल टू आई वन माइनस टी। ये ध्यान देना जब भी कि अब आगे से हम लोग कसम खाते हैं, सुन लो, आगे से कसम खाते हैं कि इस आई का मतलब इंटरेस्ट रेट से नहीं लेंगे, इंटरेस्ट की अमाउंट से लेंगे। पक्की बात है, वन माइनस टैक्स रेट, यानी नेट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इतना जाएगा, क्लियर, डिवाइडेड बाई फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर, जितने का डिबेंचर है, इनटू 100। हम फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर को एक नया नाम देते हैं, दैट इज नोन एज पीओ। तो आई वन माइनस टी डिवाइडेड बाई पी जीरो इनटू 100। इसके पीछे लॉजिक क्या है वो भी समझ लेते हैं, इसके पीछे लॉजिक क्या है ये नोट कर लें। पी जीरो का मतलब होगा मार्केट वैल्यू या फेस वैल्यू। सुन ले इधर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चे बस यहीं आकर फंस जाते हैं क्या करें और क्या ना करें। पी जीरो का मतलब हम लोग पहले प्रायोरिटी देंगे मार्केट वैल्यू को। If in the question no market value is given, then P0 means face value. Clear? सुन लो, अभी खत्म नहीं हुआ। P0 का मतलब होता है net proceeds. अगर हमने नए डिबेंचर को issue किया है, किसको issue किया है? अगर हमने नए डिबेंचर को इश्यू किया है तो हो सकता है 100 रुपए के डिबेंचर पर मैंने 5 रुपए खर्च कर लिया हो, इश्यू एक्सपेंसेस, तो हाथ में मेरे कितने आया, इसको हम लोग कहते हैं नेट प्रोसीड। क्या हो सकता है मैंने 100 रुपए का एक डिबेंचर इश्यू किया, 10 रुपए डिस्काउंट पे और 2 रुपए एक्सपेंसेस हो गए, तो नेट प्रोसीड कितना आया, 88। क्लियर? इसको कभी कभी हम इश्यू एक्सपेंसेस को कभी कभी हम फ्लोटेशन कॉस्ट के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? फ्लोटेशन कॉस्ट। तो अगर न्यू इश्यू है तब ना तो इसको देखो ना तो इसको देखो, सीधे इधर चले जाओ। तो P0 जो बेस है वो नेट प्रोसीड होगा, क्यों अभी थोड़ी देर में बताते हैं। और अगर पुराना इश्यू है, मार्केट वैल्यू दी है, तो मार्केट वैल्यू P0 मींस मार्केट वैल्यू। अगर मार्केट वैल्यू नहीं दी है, पुराना इश्यू है, तो फेस वैल्यू। बस इतनी सी बात दिमाग में कहीं सेट कर लो। हाँ बोलो, बच्चा बोल रहा, मैंने कहा ना प्रायोरिटी विल बी गिवन टू मार्केट वैल्यू। प्रायोरिटी मीन्स अगर दोनों दिया है तो भी मार्केट वैल्यू बेस लोगे,
अगर दोनों चीजें दी हैं तो मार्केट वैल्यू, तीनों दी हो तो तब तो बता दिया ना नेट प्रोसीड, तीनों दिया हो तो इसका मतलब इश्यू नया है तो हम नेट प्रोसीड पर चले जाएंगे। अब क्लियर है? तो फर्स्ट प्रायोरिटी विल ऑलवेज बी गिवन टू सेकंड प्रायोरिटी एंड थर्ड प्रायोरिटी, बस इतना याद रखना है। अगर इतना दिमाग में है तो कोई क्वेश्चन अब गड़बड़ नहीं होगा। नोट हो गया? बुक्स ने केवल इतना दिया है फॉर्मूला आई वन माइनस टी, दैट्स इट, ठीक है ना? ये हम लोगों ने बढ़ाया, क्यों बढ़ाया अभी डिस्कस कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? अब आप लोग अपना आंसर दे सकते हैं आसानी के साथ। I वन माइनस टी पी जीरो इंटू हंड्रेड। आई का मतलब मैंने कसम दिलवाई है, दैट इज नॉट द रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। इसका फायदा अभी नहीं समझ में आएगा, तुम लोगों ने कसम खाई है कि आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। और मैं बता देता हूं तुम लोग गलती करोगे, अपनी कसम तुम लोग तोड़ोगे। इधर देखो, 100 का 10% कितना होता है अमाउंट में, 10। 1 माइनस टैक्स रेट कितना है, 40%, यानी 0.4। 40% मीन्स 0.4, किसी को डाउट नहीं है ना? डिवाइडेड बाई फेस वैल्यू इंटू 100, कट गया ना 6%, दैट इज ओके। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आने दो। सही गलत का फैसला तुरंत कैसे हो सकता है? टेन का 12% 1.2, 1 माइनस 0.5 डिवाइडेड बाई इनटू 100। ठीक है ना? केडी इज इक्वल टू आई 1 माइनस टी अपॉन पी जीरो इंटू 100। 6 रुपीज, कितना आया नोट कर लो इसको। अब इसको फेयर वर्क में यूज कर सकते हो। सुने?
इधर देख, टोटल कितना हो गया, लिखना मत, समझा रहे हैं केवल। टोटल हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर कितना है, 7 लाख। हम लोगों ने देखा कि इसकी कॉस्ट होती है, जिसको हम लोग नाम देते हैं केडी, मींस कॉस्ट ऑफ डेट। तो इसको क्या नाम देंगे, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कोई दिक्कत है? 12% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की भी अपनी क्या है, एक उम्मीद है कंपनी से कि कंपनी कमाएगी, हमको देगी, दैट इज नोन एज केपी। इक्विटी की भी अपनी उम्मीद होती है, उसको हम किस रेफरेंस में, किस टर्म में कोट करेंगे? कितने तेज हो तुम लोग। हाँ, दूसरा चीज, इनकी उम्मीद है, इनकी उम्मीद है, जिससे पूछेंगे वो बताएगा, बीच में कोई टोकेगा नहीं। इसकी उम्मीद है तो इसका कॉस्ट निकालते हैं, इन लोगों ने भी एक्सपेक्टेशंस पाल रखी हैं, इसकी भी कॉस्ट निकालते हैं, इन्होंने भी उम्मीद पाल रखी है, इसकी भी कॉस्ट निकालते हैं। ये रिजर्व एंड सरप्लस हमारी कंपनी में पड़ा हुआ है, ये भी तो फंड है, ये भी तो फंड है जो मेरे पास पड़ा हुआ है, इसकी भी तो उम्मीद की गई होगी, इस पे भी तो रिटर्न की उम्मीद की गई होगी। हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ हाँ भाई, तुम सारे लोग गलत हो। हाँ, इस पर भी उम्मीद की गई होगी, और इस पर उम्मीद करने वाला कोई और नहीं, क्योंकि ये पैसा किसका है, वो ये कहते हैं मैंने ये पैसा आपके पास छोड़ा है, कंपनी को क्या कहते हैं, दिस फंड बिलोंग्स टू अस, दिस फंड बिलोंग्स टू अस, दिस अमाउंट इज रिमाइंड आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द प्रिफरेंस शेयर। हाँ या ना, एंड 100% ऑफ द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल विद द कंपनी हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड एज अ डिविडेंड टू द इक्विटी शेयर होल्डर, दैट्स वाई दिस फंड लाइज इन द हैंड्स ऑफ द कंपनी एंड दिस फंड बिलोंग्स टू अस। और जब ये पैसा हमसे बिलोंग करता है तो हमने आपके पास छोड़ रखा है, जैसे ये पैसा छोड़ रखा है वैसे ही ये पैसा मैंने कंपनी के पास छोड़ रखा है, इस उम्मीद पर कि कंपनी इस पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेगी और वहाँ से और प्रॉफिट कमाएगी और उस प्रॉफिट में हमको हिस्सा देगी। अब क्लियर आए? हाँ या ना, इनकी उम्मीद दिख रही थी, इसकी उम्मीद दिख रही थी और इसकी भी उम्मीद दिख रही थी, इसको हम लोग कहते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्लियर है? लेकिन इसकी उम्मीद दिख नहीं रही है, जैसे तुम लोगों ने कहा नहीं सर नहीं है, वो उम्मीद दिख नहीं रही, लेकिन बट दे हैव सम एक्सपेक्टेशंस विद द रिजर्व एंड सरप्लस टू, एंड दैट्स व्हाई दिस कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज नोन एज इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, दो तरह की कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती हैं, एक को कहते हैं हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल और एक को कहते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इनकी जिनकी उम्मीद सामने दिख रही है जाते हुए, उनको हम कहेंगे एक्सप्लिसिट, और जिसकी उम्मीद इस बेस पर डिपेंड है कि ये पैसा कहीं अगर कंपनी ने लगाया होता या कंपनी ने हमें ही बांट दिया होता ये पैसा, वी आर द रैशनल इन्वेस्टर्स, और हम इस पैसे को अपनी जेब में न रख करके इस पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते और वहाँ से कुछ ना कुछ कमाते, नाउ वी आर लूजिंग दैट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, नाउ वी आर लूजिंग दैट अपॉर्चुनिटी, दैट्स वाई दिस इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टू द कंपनी। हाँ या ना, पक्की बात है ना, और कंपनी को इस पर भी कमा करके देना पड़ेगा। चलो सुन लो, इधर देखो, इस पर ये लोग सोचते थे 15%, इस पर ये लोग सोचते हैं और इस पर
ये लोग सोचते हैं 10%, तो ये लोग 15% सोचेंगे इस पर, नहीं? फिफ्टीन से कम या 15 से ज्यादा करो, हमें आंसर बताओ। हम तो एक जुमला मारे, तुम लोगों ने फिल इन द ब्लैंक्स कर दिया। अब बताओ 15 से कम, 15 से ज्यादा या एग्जैक्ट 15? 15 से बराबर। अरे इंसानों, एक आदमी दो दिमाग कैसे रख सकता है? एक ही आदमी हमको पैसा देता है, कहता है ये लो रुपया इस पर 10% देना और ये लो रुपया इस पर 15% देना। अरे ऐसे कौन सी बात होती है? वो तो कहेगा ये लो पैसा, हमको इतना चाहिए, बात खत्म। तो हमको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो KR = KE, अब क्लियर हुआ? KR = KE। कॉस्ट ऑफ रिजर्व हमेशा उतना ही होगा जितना कॉस्ट ऑफ इक्विटी होगा। क्लियर है? इसमें तो अब कोई डाउट नहीं है। नोट कर लें तो फिर हम आगे बढ़ें। किसी को अगर यहां तक डाउट हो तो पूछ सकते हो। बच्चे ने कहा इम्प्लिसिट में केवल रिजर्व एंड सरप्लस आएगा, बिल्कुल सही बात है, आप बिल्कुल सत्य बोलते हैं। अटे अब तक हम लोगों ने देखा कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में कि जो शेयर होल्डर्स की, जो डिबेंचर होल्डर्स की, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशंस होती है, एवन अब बोल सकते हैं रिजर्व एंड सरप्लस की, जो एक्सपेक्टेशंस होती है वो कंपनी के लिए कॉस्ट का काम करती है। यानी हम इसको दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल और इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जितने भी फंड प्रोवाइडर होते हैं, चाहे वो तुम्हारा इक्विटी शेयर कैपिटल हो, चाहे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो, चाहे डिबेंचर या लोन फंड हो, और यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस, इनकी अपनी कॉस्ट होती है और इसको हम डिनोट करते हैं KE से, KP से, KD से, KR से। ये तो पक्का हो गया कि KR इज ऑलवेज इक्वल टू KE, पक्की बात है। हम लोगों ने KD का कैलकुलेशन अभी अभी किया। KD I 1 - T अपॉन, ये तो बहुत सिंपल सा तरीका था जिसको हम लोगों ने देखा। हटाएं, अब थोड़ा सा डिटेल में बता दीजिए KD के बारे में। KD मीन्स कॉस्ट ऑफ डिबेंचर या कॉस्ट ऑफ लोन। या तो ये इररेडीमेबल होगा, तुम लोग जैसा कि आज तक देखते आए थे, क्यों ना। दूसरा होता है रेडीमेबल। इंडिया में यही कस्टम है कि हम लोग रेडीमेबल डिबेंचर या रेडीमेबल लोन अवेल करते हैं। इसको हम लोग एक और नाम देते हैं, परपेचुअल। ठीक है, तो दो चीजें आई कॉस्ट ऑफ डेट में। पहला है परपेचुअल डिबेंचर्स या इररेडीमेबल डिबेंचर्स, और दूसरा रेडीमेबल डिबेंचर्स। हम लोगों ने अब तक जितना डिस्कशन किया केवल इसके बारे में किया, KD इज इक्वल टू I 1 - T अपॉन P0 इंटू 100। रेडीमेबल डिबेंचर्स की खास बात क्या होती है
ये आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड रेडीमेबल होते हैं, उनको उनका पैसा वापस करना होता है, हमें उनको उनका पैसा वापस करना होता है, या तो पार पे, या तो प्रीमियम पे, या तो चलो मान लेते हैं डिस्काउंट पे, वैसे पॉसिबल नहीं है। हाँ मैं बोल तो रहा हूँ पॉसिबल नहीं, लेकिन चलो मान लेते हैं एफएम है ना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो एस्टिमेशंस पर बेस्ड होता है, कुछ भी मान लो, ठीक है। चलें आगे, इधर देखें, अगर मैं एक क्वेश्चन दूं कि मैंने 10% डिबेंचर इश्यू किए, फेस वैल्यू जिसकी 100 रुपए है, लाइफ जिसकी 5 साल है, बोलो, और जिसको रिडीम किया जाना है 110 रुपए में, है ना क्वेश्चन, बस इतना ही तो बनता है, ये दो एलिमेंट्स और ऐड हो जाते हैं। यहां तक तो सर समझ में आता है, क्योंकि हमारे ऊपर तो इंटरेस्ट कॉस्ट लगती ही लगती है, लेकिन यहां इंटरेस्ट के अलावा 5 साल बाद एक्स्ट्रा कितना पेमेंट करना पड़ेगा, 110 या 10? केवल 10, केवल 10 रुपए हमको एक्स्ट्रा पेमेंट करने पड़ेंगे, यानी कंपनी के लिए कॉस्ट, कंपनी के लिए कॉस्ट कितनी है, कंपनी के लिए कॉस्ट कितनी है, 10 रुपए तो है ही है, साथ में ये 10 रुपए भी है, ये 10 रुपए इंटरेस्ट का तो आएगा हर साल, पहले साल, दूसरे साल, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ ईयर, हर साल हमें इंटरेस्ट का 10 रुपए पेमेंट करना है, लेकिन साथ ही साथ 5 साल बाद हमको 10 रुपए प्रीमियम का भी तो देना है, 5 साल बाद देना है, यानी हर साल, यानी हर साल 10 रुपए का इंटरेस्ट और 2 रुपए प्रीमियम, हर साल 10 रुपए का इंटरेस्ट और 2 रुपए का प्रीमियम, हर साल 10 रुपए का इंटरेस्ट और 2 रुपए का प्रीमियम, तुम ही लोग बोल रहे हो ना, जरा ढंग से देखो। अगर मैं बोलूं KD इज इक्वल टू केवल इंटरेस्ट लगता है, तो कहां तक ये बात सत्य है, गलत हो गई ना, इंटरेस्ट के अलावा और क्या लगता है, प्रीमियम, बता सकते हो 2 रुपए कैसे आया, कैसे आया 2 रुपए, डिवाइडेड बाई तुम लोगों ने किया 5 साल लाइफ, हाँ या ना, 2 रुपए तभी आया, 10 कहां से आया, 110 माइनस 100, बताओ, 110 को अगर हम रेडीमेबल वैल्यू लिख दें तो प्रॉब्लम है, अच्छा इसको हम P0 लिख दें तो कोई प्रॉब्लम है, अरे कोई दिक्कत है, डिवाइडेड बाई, बात समझना, ये 10 रुपए और ये 2 रुपए, ये तुम ही लोगों ने कैलकुलेट किया, 12 रुपए का टोटल कैलकुलेशन आ गया ना हाथ में, डिवाइडेड बाई, वहां पर ले रहे थे हम लोग P0, क्या ले रहे थे, बेस इंटू 100, यही तो कर रहे थे, I1-3 डिवाइडेड बाई P0 इंटू 100, यहां क्या लेंगे, P0 अगर लेते हैं तो पैसा तो मैंने लिया था 100 रुपए, ये चिल्लाने लगेंगे देना तो 110 रुपए है, तो कॉस्ट आप 110 पर कैलकुलेट करो ना, 100 पर क्यों कैलकुलेट कर रहे हो, बेस शुड बी टेकन 110, नहीं बोलेंगे, बोलेंगे, और अगर हम 110 बेस ले लेते हैं यहां पर, तो 100 रुपए वाले चिल्लाएंगे, उनके फेवर वाले आ जाएंगे, पैसा तो लिया 100 रुपए, 100 पर ना 12 रुपए पेमेंट कर रहे हो, किस पर 12 रुपए का पेमेंट हो रहा है, 100 पर, तो कॉस्ट भी 100 पर कैलकुलेट होनी चाहिए, जब 100 लेंगे तो फिर 110 वाले आ जाएंगे, कहेंगे देना तो अल्टीमेटली 110 है ना, हम तो बिल्कुल उलझ गए, तो आखिर हमें एक फैसला करना पड़ा, न तेरा न तेरा, दोनों का तेज आदमी हो तुम लोग, एवरेज, P0 RV प्लस P0 डिवाइडेड बाई, दिस इज योर फॉर्मूला, अपने आप आ गया, समझ में आई बात, नहीं आई, नोट कर ले, ये रेडीमेबल का है और ये इररेडीमेबल का है।
चलें आगे, हटाए, हटा सकते हैं, बात न करें बिल्कुल। अब एक्स लिमिटेड इश्यूड 10% 10,000 डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 100 ईच एट 10% डिस्काउंट। बात न करो भाई, टैक्स रेट इज 40% केडी। कौन जवाब देगा हमको? इरेडिमेबल है। कितना आएगा? 6। कोई दिक्कत इसमें? इसीलिए कहते हैं फटाफट फटाफट तुम लोग जवाब दोगे, अपनी कसमों को तोड़ोगे। इधर देखो, केडी इज इक्वल टू आई इंटरेस्ट, 100 रुपए पर 10 रुपए इंटरेस्ट हो गया, टैक्स रेट 0.4 डिवाइडेड बाई P0। अगर नया होता है तो उसको हम यहां पर लेते हैं नेट प्रोसीड 90 रुपए। क्या क्या अब समझ में आई बात? नहीं है 6.6% नहीं है ये। एक्चुअल में जो हमको देना पड़ रहा है ना, सुनो, 6 रुपए, वो हमारे हाथ में आया कितना था पैसा? 90, और उस 90 पर हमको 6 रुपीज देना है, पेमेंट कर रहा है। हमको 90 रुपए को मार्केट में इस तरह से इन्वेस्ट करना है, सुन लो पहले, हमें 90 रुपए को मार्केट में इस तरह से इन्वेस्ट करना है कि हम 6 रुपए कमा लें, क्योंकि हमारे हाथ में है कितना? 90, और 90 को ही हमको इन्वेस्ट करना है। तो 90 को इस तरह से इन्वेस्ट करो कि 6 रुपए मिल जाए, तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा? 6.66। मैं कहानी वही बता रहा हूं, आप लिखने में व्यस्त हैं। हमारे हाथ में कितना, तुमने दिया हमको 100 रुपया और 10 रुपए डिस्काउंट पर मैंने इश्यू किया, मेरे हाथ में कितना है? और मुझे तुमको इंटरेस्ट देना है टैक्स का बेनिफिट लेकर 6 रुपए। बताओ मेरे लिए कॉस्ट कितनी है? मैं मुझे 6 रुपए कमाना है कितने पर? 90 पर या 100 पर? तो वही तो मैं बता रहा हूं ना, 90 पर 6 कमाना है तो 100 पे कितना होगा? बात खत्म। यही तो मैंने P0 लिखवाया, और क्या पर्पस था? क्लियर हुआ? इसमें तुम्हें डिवेंचर की लाइफ दी हुई है, रेडीमेबल वैल्यू दी हुई है, तो हम इसको रेडीमेबल मान लें। बात खत्म। तुम ही खुद कर रहे हो, हमने जब रेडीमेबल बताया तो मैंने कहा दो एलिमेंट जुड़ते हैं, एक तो लाइफ और रेडीमेबल वैल्यू। वो नहीं दिया है तो इसका मतलब क्या है? रेडीमेबल है, इररेडीमेबल है। चलो आगे देखो, इधर देखो, 10% प्रीमियम पर इश्यू किया है। सॉल्यूशन बताओ इसका तुरंत। अब मेरे हाथ में कितना आया? मेरे हाथ में 110 रुपए तुमने दे दिया, और मुझे तुम्हें 6 रुपए देना है उस 110 को इन्वेस्ट करते हुए, तो मुझे उस 110 को इस तरह से इन्वेस्ट करना है कि मेरे हाथ में 6 रुपए आ जाए। तो बताओ 110 पर 6 रुपए, तो 100 पे कितना? 5.5। दिस इज योर आंसर। अब क्लियर हुआ? उस 110 पर अब हमें कमाना है तो हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी, 90 पर कमाना था तो कॉस्ट बढ़ गई थी। क्लियर है बाबू?
देखें इधर, मैंने अभी क्या बोला है, पी जीरो का मतलब अगर नया शेयर नहीं है, नया डिवेंचर नहीं है, तो पी जीरो का मतलब पहले मार्केट वैल्यू को प्रायोरिटी दो, अगर दिया है तो, नहीं तो फेस वैल्यू पर जाओ। देखें तो मार्केट वैल्यू को प्रायोरिटी देंगे, दैट इज योर 5%। बात में थोड़ा जल्दी करेंगे, कितना आएगा 5%, अगर आप इसको ओल्ड मानते हैं तो। ओल्ड मानेंगे तो बोलने दोगे तो हम पूरा करेंगे, ओल्ड मानोगे तो 5%, न्यू मानोगे तो ₹110 नेट प्रोसीड है। हाँ जी, अंतर समझ में आया? बोलने तो धीरे धीरे, हम भाग रहे हैं, हम तो खुद धीरे कर रहे हैं, धीरे चलो, हमको तो बात पूरी करने दो ना पहले। अगर इसको पुराना मानते हो तो मार्केट वैल्यू शुड बी टेकन एज बेस, एल्स फेस वैल्यू। अगर हम इसको न्यू मानते हैं देन वी डोंट हैव एनी ऑप्शन, ओनली देर इज वन ऑप्शन एंड टू टेक ओवर द नेट प्रोसीड। क्लियर? अगर हम नया मानेंगे तो केवल 110 पर बेस ले लेंगे, नेट प्रोसीड प्रायोरिटी नंबर वन। अब यहां पर नया पुराना कुछ नहीं लिखा है, मार्केट वैल्यू दिया है, इसका मतलब ये पुराना है। तो हम मार्केट वैल्यू अगर पुराने को बेस लेते हुए चलेंगे तो मार्केट वैल्यू को बेस लेंगे, दैट्स इट। क्लियर हुआ? इफ इश्यूड रिसेंटली, इधर देखें, पक्का चलें आगे, हटा सकते हैं इसको। अब तुम लोग का दिमाग खराब करने आ गया। इधर देखे, मुझे जो चीज समझानी है, केडी का फॉर्मूला मैंने यहां बताया था, आई वन माइनस टी प्लस प्रीमियम का नुकसान। मैंने यहां बताया था रेडिमेबल वैल्यू माइनस पी जीरो डिवाइडेड बाई लाइफ और डिवाइडेड बाय इन दोनों का एवरेज, बोलो ना, इनटू 100, दैट्स इट। ये हमने लिखवाया था, यहां तक तो वो बातें बिल्कुल सही है जैसा तुम लोगों ने समझा है। यहां मैंने जो वर्ड यूज किया था जब मैं ये समझा रहा था, तो मैंने यहां पर जो वर्ड यूज किया था, अब उसको समझो।
मैंने कहा कंपनी को टोटल नुकसान कितना है, बोलने दो ना अभी, बोलो मत, कंपनी को टोटल नुकसान कितना है वो लाइफ में डिवाइड कर दो बराबर बराबर। एक तो इंटरेस्ट का नुकसान प्लस एक और नुकसान किस चीज का, प्रीमियम का, हाँ या ना। अब एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि तुम लोग का दिमाग क्या कहता है। इस क्वेश्चन को नोट कर लो और उसके बाद हम इसको सॉल्यूशन देते हैं, ठीक है। देखें इधर, आई 10% 100 पर कितना आ जाएगा, टैक्स रेट कितना है, प्लस रेडीमेबल वैल्यू मालूम है ना 120, और लाइफ कितनी है बताओ, पी जीरो कितना रखेंगे क्योंकि हमें कुछ और दिया नहीं है, 100 में था इशू, 120 रुपये पर रिडीम करना है, टोटल नुकसान 20 रुपये का है, 10 सालों में हर साल 2-2 रुपये। आंसर नहीं बताओगे, देख लेना सही है या नहीं। क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, तुम लोग नोट कर चुके होगे, ये पार लिख दिया था ना तुम लोगों ने, नोट करो जल्दी थोड़ा। बोलो बोलो बोलो, कोई डाउट हो तो बताओ। अब यहां पर मैं करता हूं 10% प्रीमियम, ये अगला क्वेश्चन है, नोट करेंगे पूरा क्वेश्चन, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन क्या होते हैं, पूछे जाते हैं नहीं पूछे जाते हैं? ये क्वेश्चन आएगा कितने नंबर दे जाएगा मालूम है, कम से कम 4, और यही आता ही है जो सामने है ये सब, तो और क्या आएगा। मैंने कहा बच्चे यहां गलती करते हैं, यहां ये 8वीं दिख रहा है तुमको, एक आंख बंद करके देख हो गए, दूसरी आंख से देखो इधर दिखाई देगा इधर, अभी तुम लोग भी गलती करने ही जा रहे हो। हाँ बताओ आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही जवाब, 110 माइनस होगा। जब हम इसकी बात करेंगे तो बस एक चीज दिमाग में ले आओ, What is the actual loss to the company? Actual loss to the company. What is the actual loss to the company? मैं बार बार बोल रहा हूं, क्या? That's it. तो actual में कंपनी को तो जाएगा जेब से 120 और लिया कितना था? सर ये कौन सी बात होती है, यही बात है, बताएं कितना आया, 6.0। पक्का? इसमें मैंने एक चीज जोड़ दी, मार्केट वैल्यू 115 रुपए। ये अगला क्वेश्चन है, बन गया, ये नेक्स्ट क्वेश्चन पूरा नोट करेंगे फिर हमें इसका जवाब देंगे। इतनी जल्दी आंसर ना दें,
जवाब देने में आप लोग देर कर रहे हैं। कितना? सिक्स पॉइंट थ्री, और कुछ लोगों ने कहा सेम। हमें नहीं मालूम, हमें नहीं मालूम बिल्कुल, अब हमें कुछ नहीं मालूम। जब डिबेंचर्स की मार्केट वैल्यू दी रहती है तो नॉर्मली यही मान लो कि वो पुराना है। जब डिबेंचर, सुन लो, यही मानना ही बेटर होता है कि डिबेंचर पुराना इश्यूड है। मार्केट वैल्यू डिबेंचर की बढ़ी कैसे? आज इश्यू आज बढ़ गई नहीं, लोन की अमाउंट ऐसे ही बढ़ जाती है। वो पुराना डिबेंचर है इसीलिए उसकी मार्केट वैल्यू प्लस या माइनस हुई है। क्लियर है? हाँ, या ना? तो जब भी डिबेंचर की मार्केट वैल्यू दी रहे तो समझ लो बेटा पुराना है। अब बताओ हमको, एक सौ दस या एक सौ पंद्रह कितना ले लेंगे? यहां पे क्या करें यहां पर? अब मेरी बात सुनो, तुम लोग एक चीज याद रखते हो दूसरा चीज भूल जाते हो। मैंने वर्ड क्या यूज किया, यहां गलती होती है। बस एक लाइन दिमाग में रखो, व्हाट इज द एक्चुअल लॉस टू द कंपनी, न मार्केट वैल्यू से मतलब, न फेयर वैल्यू से मतलब, न डिस्काउंट न प्रीमियम से मतलब। मैंने क्या वर्ड बोला? व्हाट इज द एक्चुअल लॉस टू द कंपनी। सारे झंझट का हिसाब किताब यहीं खत्म, कभी रटने और समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छे अच्छे लोग बस यहीं पर आकर फंस जाते हैं, सर ये क्वेश्चन कैसे होगा? अरे बेटा बस इतना समझ लो, व्हाट इज द एक्चुअल लॉस टू द कंपनी। लॉस का मतलब कंपनी के हाथ में कितना आया था और कंपनी के हाथ से जाएगा कितना। क्लियर है? पक्की बात? अगर मैं इसको लिख दूं दो मिनट के लिए, अब बताओ। नहीं नहीं, अब बोलो, मार्केट वैल्यू ले लोगे? उल्टा कंपनी को फायदा हो रहा है क्या? कंपनी डिबेंचर को रिडीम कर रही है या पेमेंट कर रही है या पैसा ले रही है? कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा है। यहां तो मार्केट वैल्यू तो केवल एक डिनोट कर रहा है चीज को, अदरवाइज का कोई यूज तो है ही नहीं। मैंने क्या कहा? कंपनी को लॉस कितना है, उसके बावजूद कंपनी ने लिया 110 था और देगी कंपनी 120 वापस, बस बात खत्म। चाहे मार्केट वैल्यू इसकी 135 ही क्यों ना हो जाए, बस बच्चे आकर गच्चा यहीं खा जाते हैं। क्लियर है? समझ में आई मेरी बात? तो हमें मार्केट वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। कंपनी के हाथ से जाएगा कितना और कंपनी में के हाथ में आया था कितना, इन दोनों का डिफरेंस, दिस इज द एक्चुअल लॉस। आंसर वुड बी द सेम। ये अगला क्वेश्चन है, हमें इसका जवाब चाहिए तुरंत। हमें नहीं मालूम, करें आप। क्वेश्चन पूरा नोट करेंगे आप, अब जाहिर सी बात है कंपनी को नुकसान कितना है, कंपनी को देना वापस कितना है 100, और लिया कितना था कंपनी ने 90। हाँ या ना? तो 100 प्लस 90 डिवाइडेड बाय 2। किसी को डाउट हो इसमें तो पूछो। अब हमें नहीं लगता कोई डाउट होगा, पक्का? क्वेश्चन तो मिटा सकते हैं? नहीं, क्वेश्चन तो मिटा सकते हैं।
देखें इधर, अब तक हम लोगों ने केडी की बात की, बात नहीं, और केडी को दो तरह से देखा, या तो इररेडीमेबल या तो रेडीमेबल, हाँ या ना। जब हम इररेडीमेबल की बात करेंगे तो केडी इज इक्वल टू आई वन माइनस टी अपॉन पी जीरो इंटू 100। जब हम यहां पर केडी की बात करेंगे तो आई वन माइनस टी प्लस एक्चुअल लॉस टू द कंपनी, रेडीमेबल वैल्यू माइनस पी जीरो डिवाइडेड बाई लाइफ, बेस रहेगा एवरेज ऑफ रेडीमेबल वैल्यू प्लस पी जीरो डिवाइडेड बाई 2 into 100। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हमारा डिबेंचर का हिसाब किताब था। लेकिन अगर यही बेस हमको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में देखना पड़े तो ये भी दो तरह के होते हैं, या तो इररेडीमेबल या तो रेडीमेबल, बोलो ना। हां, एक बात तो तय है, जिस तरह इंटरेस्ट के केस में हमें टैक्स बेनिफिट मिलता था, यहां नहीं मिलेगा, यहां नहीं मिलेगा टैक्स बेनिफिट, बिकॉज वी हैव टू पे द अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड आफ्टर द पेमेंट ऑफ टैक्स, तो हमें वहां टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता। तो केपी इज इक्वल टू हो जाएगा प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाई पी जीरो इंटू 100। टैक्स इफेक्ट लो मत ना, खत्म हो गया, खत्म हो गया, क्या करें। दूसरा इधर, केपी इज इक्वल टू रेडीमेबल भी होते हैं तो प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस एक्चुअल लॉस टू द कंपनी, कितना, आरवी माइनस डिवाइडेड बाई अपॉन डिवाइडेड बाई इंटू हो तो गया, क्या करना था इसमें, कौन सा नया तीर छोड़ना था, सारी कहानी वही, फर्क केवल एक जगह, यहां टैक्स इफेक्ट है और यहां टैक्स इफेक्ट नहीं है, दैट्स इट। समझ में आई बात, बाकी सारी चीजें वही हैं जो मैंने समझाई, कहीं कोई फर्क नहीं। नोट नहीं होगा, थोड़ा स्पीड लें, बात न करें बिल्कुल। समझ में आया, इधर देखें, हम लोगों ने केडी देख लिया, देखा या नहीं देखा, हम लोगों ने केपी देख लिया, देखा या नहीं देखा, और हम लोगों ने केआर भी देख लिया। अब बचा क्या हुआ है, द लास्ट थिंग, एंड दैट इज योर के कॉस्ट ऑफ, सारी मेहनत हम लोग को कॉस्ट ऑफ इक्विटी में करनी है, अकेले ये आपकी एक या दो क्लास ले डूबेगा, ई नहीं के ई, ठीक है, सुन ले। अगर ये चारों इंडिविजुअली हम लोगों ने समझ लिए, तीन तो समझ ही लिए, केवल इसको समझना बाकी है, इसके बाद इस चैप्टर में कोई दम, के आर इज इक्वल टू के ई ना। थैंक यू बच्चों।
Thank you.